क्यों थक गए, निराश हो गए, या एसएससी के नोटिफिकेशन वाला लॉलीपॉप देखकर खुश हो गए? हमें तो बड़ी उम्मीद थी आपसे, हमें तो लगा था कि आप इतना जल्दी नहीं रोना छोड़िएगा। क्या हो गया है? एसएससी वाले बच्चे खुश हो गए कि चलो हमारा काम बन गया, भाड़ में गया जनता? ऐसे नहीं काम चलेगा बाबू। तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा रेलवे वाले बच्चों ने सपोर्ट किया है और उनको तुम निराश नहीं कर सकते हो, रेलवे वाले बच्चों को रुला नहीं सकते हो। जब तक रेलवे के एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, कोई नहीं रुकेगा, लास्ट तक बना रहेगा, कोई नहीं थकेगा। क्योंकि जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुलारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि आपके साथ समस्या आ रहा है, परेशानी आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का ट्विटर पर आईडी ब्लॉक कर दिया गया है। तो क्या हुआ, ट्विटर पर आईडी ब्लॉक हुआ है, फेसबुक पे नहीं हुआ है, यूट्यूब पे नहीं हुआ है? यूट्यूब पर अभी भी आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं #forssrailwaystudents। आप अभी रुकना नहीं है। अरे स्टूडेंट की बात छोड़ो, टीचर के साथ भी परेशानी आ रहा है। जो टीचर इसमें लगा हुआ है उस टीचर का सब्सक्राइबर अपने आप कम हो रहा है। मोदी जी ने आईटी सेल वाले को लगा दिया है, आईटी सेल वाले अपने से सब्सक्राइबर कम कर दे रहे हैं। पता नहीं मेरा सब्सक्राइबर का एक यूगर गिर गया। बच्चों डरना नहीं है, लगे रहना है, मुश्किलें आएंगी लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है, अब भागने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना कि तुम्हारा डिमांड क्या था। तुम्हारा डिमांड सिर्फ यह नहीं था कि एसीसी के रिजल्ट का नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि कब आ रहा है। तुम्हारा डिमांड में सबसे ऊपर में था रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम डेट, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम डेट जिसका अभी कोई अता पता नहीं है। और बच्चों 2.5 करोड़ बच्चों का सवाल है, 2.5 करोड़ बच्चे इस मुहिम में है तुम्हारे साथ। जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके साथ एनटीपीसी वाले भी बच्चे हैं, वो भी 2.5 करोड़ संख्या में। उन्हीं के बदौलत ये नोटिफिकेशन जो आया एसएससी का, उन्हीं के बदौलत आया है, और आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। आपको लगा रहना है उनके साथ। ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चे की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ रेलवे के बच्चे की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ बैंकिंग के बच्चे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जनरल कंपटीशन के छात्रों की लड़ाई है। जो पटना के धरती पर, इलाहाबाद के धरती पर, दिल्ली के धरती पर गरीब किसान के बेटा किसी तरह से खेत गिरवी रख करके, मां का गहना गिरवी रख के पढ़ता है, तैयारी करता है, और किसी तरह दो वक्त का रोटी खा करके दिन रात एक मेहनत करता है, उसकी लड़ाई है। सब लोग को अभी साथ रहना है, लास्ट तक रहना है, कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा बाबू। एनटीपीसी का एग्जाम का डेट चाहिए, और हर साल नए वैकेंसी की वादा किया जाए कि हर साल हमें नए वैकेंसी दिया जाएगा एसएससी रेलवे बैंकिंग में बाबू, और सारा एग्जाम प्रॉपर वे में होगा, तभी हम इस प्रोटेस्ट को रुकेंगे। अभी नहीं रोक सकते हैं, सभी लोगों को लगा रहना है, ध्यान लगाना। बच्चों एक बात और है, राजनीति नहीं करनी आप लोगों को, राजनीति नहीं करनी, अपनी डिमांड कर पूरी करवानी है। बस ये नहीं कि कमेंट में गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं कि ये चोर है तो वो चोर है, ये गलत बात है। वो हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनसे डिमांड कर सकते हैं। भद्दा कमेंट नहीं करें, आप एक स्टूडेंट है और अच्छी बातों के साथ बाबू सत्याग्रह गांधी जी के रास्ते पर चलें, अच्छी बातों के साथ अपना बात रखें, उल्टा सीधा कमेंट नहीं करें, और खूब शेयर करें इस वीडियो को। और एक बात और कर सकते हैं आप लोग, एक बात और कर सकते हैं, जितने भी एनटीपीसी के विद्यार्थी हैं, जितने लोग एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हैं, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, 2.5 करोड़ लोग, एक वीडियो बनाओ, एक मिनट का, दो मिनट का वीडियो बनाओ कि मैं एनटीपीसी का विद्यार्थी हूं, और बताइए सरकार, बताइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हम लोग का एग्जाम कब होगा। हमारा 500 रुपया हम लोगों ने दिया है, और हमारा पूछने का हक बनता है कि कब एग्जाम होगा। आपने तो वादा किया था कि 400 रुपया लौटा दिया जाएगा, ठीक है पैसा नहीं लौटाओ, लेकिन यह तो बता दो कि एग्जाम कब होगा, कब होगा एग्जाम। सब लोग वीडियो बनाओ और अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, सब जगह शेयर कर दो। 2.5 करोड़ विद्यार्थी अगर वीडियो बनाएगा तो आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, आग लगा दो, रोको नहीं, तब तक नहीं रोको जब तक तुम्हारे पक्ष में सारे परिणाम नहीं आ जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय, अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम।